हेलो एवरीवन, मेरे पास आज मॉडर्न इंडिया की बुक है स्पेक्ट्रम। तो मैंने ये खरीदा था, 2019 एडिशन है ये। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय एपीएस राजीव वहीर सर, तो उसने भी लिखा हुआ था, बहुत क्रिप्स तरीके से लिखा हुआ है, तो पढ़ते ही पूरा समझ आ जाएगा अगर अच्छे से पढ़े। प्राइस आप देख सकते हो 415 रुपीज़। मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था अमेजन से, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब कंटेंट की तरफ करते हैं, ये देखो कंटेंट, कोर्सेस एंड अप्रोच चैप्टर 1 सब अच्छे से दिया हुआ है। फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, रिफॉर्म्स मूवमेंट, द स्ट्रगल बिगिंस, और देखो एरा ऑफ मास नेशनलिज्म, ये सब भी है। नेशनल मूवमेंट्स क्या हुआ है, स्वदेशी एंड वर्कआउट मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डिवाइड पीपल, एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट, और देखो नॉन टेक्निकल रिफॉर्म्स, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड खलीफत आंदोलन। तो कंटेनर देख लो, इसको ये खरीदना होगा तो वो खरीद सकता है। बहुत इजी तरीके से दिया हुआ है, पर इसको पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो बहुत अच्छा हेल्प होता है आपको। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पीजन मूवमेंट्स सब किया हुआ है, चैलेंजेस बिफोर न्यू बॉर्न नेशन, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो अभी नहीं चल रही प्रेजेंट में, आफ्टर नेहरू चैप्टर, टोटल 39 चैप्टर्स है बुक में। फिर लास्ट में अपेंडिसेस दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद रेसिस्ट कंप्लेंट्स ये रहा चैप्टर, स्क्रीन क्वालिटी देख लो आप, और लास्ट में चैप्टर्स के समरी दिया हुआ है, तो आप समरी फर्स्ट आप पढ़ लोगे तो एक बार आइडिया हो जाएगा आपको अच्छा से चैप्टर में है क्या, उसके बाद आप चैप्टर करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा बहुत याद करने में और रिवाइज करने में। दिस इज द थिकनेस ऑफ द बुक, देखो लास्ट में ऐसे ही दिया हुआ है कुछ कुछ अलग से। तो देखो ये बैक साइड ऑफ द बुक, स्पेक्ट्रम बुक प्राइवेट लिमिटेड, 450 रुपीज़। दिस इज द थिकनेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।